द्रवाणु प्रखंड के जिला परिषद भाग दो में न्यूज 11 भारत का विशेष कार्यक्रम में आम जनता ने अपनी राय रखी। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में विकास का काम ठप है, जनता बदलाव के मूड में। ग्रामीणों से बात की हमारे सहयोगी खालिद ने। न्यूज 11 के विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जो रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में चौथे चरण में संपन्न होना तय हुआ है। इसी कड़ी में आज हम आए मांडू प्रखंड का अंतिम छोर गोसी गांव में हैं। तरह तरह के प्रत्याशी आपके पास आके लुभावने वादे कर रहे हैं, बहुत कुछ वादे कर रहे हैं कि आपको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, लेकिन विकास आपके घर में कहाँ है, क्या दिख रहा है, विकास हुआ है या नहीं? आज से हम लोग तीसरा बार हो गया ये पंचायत चुनाव, और इस तीसरे पंचायत चुनाव में हम लोग पूरा मन बना लिए हैं कि इस अपर भाग मांडू भाग संख्या दो से जिला परिषद में हम लोग अपने समस्याओं से त्रस्त होकर श्री सरस्वती देवी को विजय मनाना चाहते हैं। वो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएगी और हमारी समस्या को दूर करेगी, ये हमें अभी पूर्ण विश्वास है। और इनको हम इस बार पूर्ण रेम से पूर्ण बहुमत से इनको जिला भेजना चाहते हैं। आप बताइए, आप ये बताइए कि क्या लग रहा है आपके गांव में, विकास कहां पर दिख रहा है? हम लोगों ने पहले भी चुनाव देखे, बहुत से नेतागण आए और हम लोग को लुभाना दे करके वोट को जैसे तैसे खरीद बिक्री करके दारू मुर्गा खिला करके वोट को लेकर के वो जीत जाते थे, लेकिन आज भी इस गांव में उसको नजर नहीं दिखा। क्या लग रहा है, क्या अब तक विकास आपके गांव तक पहुंची या क्या दिखा? नहीं, अभी तक तो हमारे गांव में किसी तरह की कोई सरकारी योजना नहीं आई है, ना ही कोई हम लोग से यहाँ मिलने के लिए आते हैं। और ये है कि सरस्वती देवी एक हमारे गांव में बीच बीच में आती रहती है और हम लोग से मिलती रहती है, क्या समस्या ये सारा हम लोग से मतलब बातचीत करती रहती है। इसलिए हम लोग इस बार चाहते हैं कि भारी मतों से सरस्वती देवी को विजय बना। ये पावर आया है 15 में, अब ये तीसरा का चुनाव चल रहा है, यहाँ 10 साल बीता, उसमें देखें कि दो दो मरतबे हम लोग चुन के भेजे इस जिला परिषद में रामगढ़ मांडू भाग टू में, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई काम नहीं। खसी मुर्गा लालच दिए, मीठ दिए, दारू दिए, बहुत सारा चीज किए हैं और मने हुआ के अपना सीधे चल गए और कोई काम किसी तरह कोई धरातल में दिखाई नहीं दिया। तब हम लोगों ने मन बनाया कि अब की बार सरस्वती देवी, बीच बीच में हम लोग को गांव पड़ोस अगल बगल बहुत सारा जगह पर जाने का काम करती है और जमीन से लेकर सीसीएल से टाटा सब जगह लड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि इस बार सरस्वती देवी को ही चुनाव मैदान में हम लोग वोट देंगे और उनको विजय बनाएंगे, पूरे गाँव महिला हो चाहे। आप बताइए कि क्या लग रहा है, विकास कितना हो पाया है इस गांव में, कुछ दिखा विकास की नहीं, और अब की बार क्या मन बनाया हुआ यहाँ की जनता? हमारे पंचायत में अभी तक तो वैसा कोई विकास नहीं हुआ है। दो दो बार पंचायत चुनाव भी हुआ, उसमें जो जिला परिषद से जीत के गए और पुनः फिर वापस हमारे गांव देखने को भी नहीं आया। जो हमारा सड़क का स्थिति है, गाँव ग्राम का पानी का जो समस्या है, उसी तरह जो 10 साल पहले था। तो हम लोग सोचे कि नहीं, जो अगले बार चुनाव में जो फाइट किए थे, जिनका पहचान भी हमारे गांव के अंदर में अच्छा है, हमारे पंचायत में अभी तक तो वैसा कोई विकास नहीं हुआ है। दो दो बार पंचायत चुनाव भी हुआ, उसमें जो जिला परिषद से जीत के गए और पुनः फिर वापस हमारे गांव देखने को भी नहीं आया। जो हमारा सड़क का स्थिति है, गाँव ग्राम का पानी का जो समस्या है, उसी तरह जो 10 साल पहले था। तो भाई, तो बस यही गुजारिश होगी कि जब चुनाव हो तो 100% मतदान हो और बेहतर जनप्रतिनिधि को ग्रामीण चुने। इस बुलेटिन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।